हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमारी पहली ब्लैंक है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑन प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके एक्सपोनेंट का सम होगा। तो 250 है, उसके प्राइम फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 25 इंटू 10, सो 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, सो 5 क्यूब इंटू 2 रेज टू 1। 5 का एक्सपोनेंट है 3 और 2 का एक्सपोनेंट है 1, और इन दोनों का सम होता है 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। द सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज। तो यहाँ पर आंसर होगा एल्गोरिदम। क्या आंसर होगा? एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारी ब्लैंक है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू 14 बी, ए इक्वल्स टू 14 बी, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज। तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होती है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वी कैन सॉल्व दिस। तो यहाँ पर ए है हमारा, ए ही है, बी है और क्वेश्चन है हमारा 14 और रिमाइंडर है 0। सो देयर फोर एचसीएफ क्या होगा? बी होगा। नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज। तो यहां पर आंसर होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अगली हमारी ब्लैंक है, इफ अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स डैश वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20 इज। तो यहाँ पर 5 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 विच मीन्स 4 इंटू 15 एंड विच इज इक्वल्स टू 60। और अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। अभी इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो होगा 60 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा 12:1। क्या आंसर आएगा? 12:1। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर देन लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इज। तो हम सभी को इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम डील्स विद डैश ऑफ इंटीजर्स वेयर एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डील्स विद डैश ऑफ द इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती है वो डील करती है डिविजिबिलिटी के साथ, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। किसके साथ? डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी। और अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की, तो ये डील करती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर 14,587 अपॉन 12,1250 विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 1250, तो जिसे हम लिख सकते हैं 125 इंटू 10 एंड दैट मीन्स 5 क्यूब इंटू 2 into 5 and it means 5 is raised to 4 into 2. तो यहाँ पर 5 की highest exponent क्या है? 4 है। तो after 4 decimal places ये जो rational number है ये terminate होगा। अगला question है, HCF of A and B is 2 and the LCM of A and B is 27. Then the value of A and B is, बहुत ही easy है, हमें पता है product of number क्या होता है, HCF ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर। सो तो इन दिस वे 2 इंटू 27, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54।
अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 240 एंड 228, तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम इसे बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 240 ग्रेटर है किससे, 228 से, 240 को हम 228 से डिवाइड करेंगे, सो तो वन क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा हमारा 1 to 12, राइट। अब इसके बाद 228 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, जब हम 228 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा 0। अब सिंस रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये जो डिवाइजर है ये क्या होगा हमारा HCF, तो इन दोनों का HCF क्या होगा 12, यहाँ पर हमारा HCF आएगा 12। अगला क्वेश्चन है रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and -3, तो हमें पता है पहले से ही पता है भाई कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्या आएगा आंसर इनफाइनाइट। अभी 14 क्वेश्चन है, If a rational number is of the form p upon q and q is not of the form 2 raised to m to 5 raised to n, then its decimal representation is dash but repeating. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा non-terminating but repeating. अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ डैश ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ पर आंसर है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो इन दोनों के बीच का जब हम HCF निकालेंगे तो 4 2 into 2 + 0, तो हमारा HCF क्या होगा 2। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू कंप्यूट द डैश ऑफ द गिवन नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर HCF। अगला है अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ अनदर स्टेटमेंट इज नोन एज, तो यहां पर आंसर है लेमा। अगला क्वेश्चन है ऑल्दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स राइट, येट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर डैश एक्सेप्ट जीरो, सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल इंटीजर्स, यहाँ पर आंसर है हमारा ऑल इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज डैश टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM, यहाँ पर आंसर आएगा नॉट इक्वल, क्या आएगा नॉट इक्वल। सो थैंक यू गाइस।